हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे, फिट होंगे, सेफ होंगे। बस मैं भी बढ़िया हूँ। अब आप सोच रहे हो कि मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ खेत में और दूध और न्यूज़पेपर लेके सुबह सुबह जाते हैं। मतलब वैसे तो मेरे मामा जाते हैं, बट मैंने सोचा आज मैं चल लेती हूँ। तो अभी मैं उठी थी 8:30 बजे। आपको मेरे मुंह से, बालों से लग रहा होगा, मैं कोई दिखावटीपन नहीं करती कि बाल वाल जचा के चलूँ या कैमरे में बाल वाल जचा के आऊँ। जैसे हैं वैसे ही चल लेते हैं। तो फिर अभी मैं 8:30 बजे उठी थी और फिर मैंने सोचा चलते हैं खेत में। घर पे भी क्या ही करेंगे पूरे दिन भर, तो चलो खेत में जाते हैं। दिखाती हूँ आपको व्लॉग पे, आप कंटिन्यू बने रहने। मैंने शायद आने के बाद में मैंने खेत में व्लॉग नहीं बनाया। और अभी इधर सरसों वगैरह आ रही है, धीरे धीरे हरियाली हो रही है, सरसों के फूल आ रहे हैं। आगे पता नहीं क्या क्या बुआई कर रखी है, मेरे को नहीं पता। मैं तो इधर से साइड से जाती हूँ खेत में सीधा, मतलब घर पे, फिर इधर से वापस आ जाती हूँ। इधर आके नहीं देखती क्या क्या। चलो फिर करते हैं आपके साथ व्लॉग का एंड करते हैं। कहाँ तक एंड होता है, यहाँ होता है, घर पे होता है। कंटिन्यू बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्या पता आज मेरा व्लॉग जो मैं बना रही हूँ, तो आज मेरा व्लॉग लास्ट ही होगा शायद, तो आप पूरा देखना। चलो मिलते हैं बाद में। वो उधर हमारे घर है सामने, इधर चन्ने बाहर रखे। मैं पास आई हूँ तो पता चला है फुहारे चल रहे हैं। और ये जे क्या गया, माऊ अरे जे किया गया हमारा। चलो चलो अंदर अंदर चलो, देखो वो गया। और उधर सरसों है एंड में, आजा आजा अंदर। ये दूसरा है हमारा, चलो अंदर अंदर अंदर। आजा मैं थप्पड़ चेप दूंगी, चल अंदर। मायू इतनी लेट, शायद 9:15 तो हो ही गए होंगे। बाबा बाहर बैठे हैं, कोई मतलब आदमी इधर, वो उनके पास, और नानी नहा रही है। समाचार चल रहे हैं रेडियो। जैकी आज अच्छा अच्छा, देखो कितना जल्दी आ रहा है ये, देखो ऊपर ही आ गया। हे भगवान, जैकी स्वेटर के पूरे अपने बाल ही बाल लगा के चला गया, पता नहीं क्या ही है। बहुत दिनों से आते हैं, मतलब वैसे ही लाड करता है। जैकी जैकी सेकंड करो, सेकंड दूर चला जा, हाँ बैठ जा, सेकंड कर दे, लाओ। हाँ बस तेरे नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ, चलो उधर पीछे खिसक, पीछे 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 चल। गया अपनी जगह बैठ गया। ये उधर फवारे चल रहे हैं चनों में, अभी तो छोटे छोटे से ही आए हैं। और उधर है सरसों, एंड में हरियाली सी दिख रही है। इधर हमारा घर है, ये सोलर प्लेटें वगैरह लगी हुई है। ये दोनों डॉग्स जा रहे हैं नाना जी के साथ में। उधर कोई एक फव्वारा नहीं चल रहा, तो उसको सही करने के लिए जा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सब्जियाँ बाहर रखी है। ये इधर तो शायद लहसुन है, मेरे को इतना तो नहीं पता चलता प्याज है या लहसुन है। नानी उधर काम लग रही है।
और ये शायद आलू लगे हुए हैं, ये पालक है यहाँ, और ये इधर मूली लगी हुई है, वो धनिया है उधर, और ये है धनिया, तो छोटा छोटा लग रहा है, वो मेथी है, प्याज भी लगे हुए हैं, आल वाले का बोलते हैं जिनको, और ये इसमें इनकी है ना अलग से फवारा लग रहा है छोटा सा, सब्जियों में पानी देने के लिए, हमारे घर जितनी सब्जियां हो जाती है खाने के लिए, ये सब लगे हुए हैं, और मेरे को ज़्यादा पता नहीं, और सरसों भी लग रही है उधर, और चारों तरफ चने ही चने हैं, और ये पता नहीं क्या लग रहे हैं छोटे छोटे, मेथी लग रही है, मेथी। वैसे खेत में मन तो लग जाता है, बट अकेले का नहीं लगता, ऐसे सब हो ना साथ में, सब जब हमारे आए हुए होते हैं, मेरी मासी दीदी वगैरह सब बच्चे मासी, तब खूब मन लग जाता है, पता ही नहीं लगता सुबह से शाम तक यहाँ कब टाइम गुजर जाता है, और वैसे भी नहीं लगता पता, इधर आ जाते हैं घूम लेते हैं पूरे खेत में ऐसे, तब अभी मैं देखती हूँ खाना खा के जाऊँगी या अभी जाऊँगी घर पे, आज तो उधर तो मैं कुछ भी नहीं करके ही, ना मैंने इधर कुछ काम किया है, नानी कर रही है सब, मैं तो इधर आके बैठ गई, बातें बातें कर ली तब, और पीछे बील वगैरह वो भी लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, इधर फ्लावर्स के पेड़ लग रहे हैं, गुलमोर वगैरह के, ये वाइट वाले फ्लावर है, उधर मूली लग रही है, ये सब पेड़ खूब सारे हैं, ये देखो मैं पीछे आई ना इधर घर के पीछे, ये पीछे पीछे आ गया अपना आप, चल इसको पता नहीं क्या ही है, कैमरे के आगे आने का बहुत शौक है, फिर ऐसे डर भी लगता है अचानक ऐसे, मतलब मजाक मजाक में ही खा जाए, कुछ भी हो जाए, दांत लग जाए, वो ही होता है, अब इधर आ गया मेरे पीछे पीछे, इधर हमारे चरी बारखी है गायों के लिए, गायों तो क्या, गाय एक ही है उसके लिए, और इधर ऐसे ही खाली पड़ा है, इधर मेरे एंगेजमेंट का फंक्शन किया था, मेरे को याद है, इधर मैं आई ना तब देख के आ गए, पहले हमारे जहाँ पे घर है ना मैं रहती हूँ उधर ही कर रहे थे, बट फिर मेरे नाना जी बोल ना जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ घर पे ही कर रहे थे एंगेजमेंट का फंक्शन, फिर मेरे नाना जी ने कहा कि खेत में अपने मकान बनने के बाद में अपन ने ना मतलब कोई फंक्शन ही नहीं किया, तो चलो फिर यहीं पे ही कर लेते, सबको यहीं पे बुलाते, तब फिर मेरे नाना जी ने यहाँ पे किया, फिर शादी का भी यहीं पे ही था प्लान पूरा, लेकिन शादी के टाइम क्या थी कि सर्दी थी, और यहाँ ज़्यादा बड़े मकान भी नहीं, वहाँ तो खूब सारे बड़े मकान हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती सोने में, छोटे बच्चे फिर परेशान होते हैं इधर खेत से घर आना, वही होता है, तब फिर शादी घर पे की थी, और सगाई थी मेरी गर्मियों में रक्षाबंधन के पास में अगस्त में थी, तब सगाई यहाँ की थी, मैं जैसे ही इधर आई तब मेरे को याद आ गया, अच्छा था फंक्शन वैसे खुले में, अच्छा लग रहा था, ये इधर बील का पेड़ है, खूब बड़ा हो गया, इसके अभी बील लग तो गए, अब ये कब तक पकेंगे पता नहीं है, ये इधर आंवले का है ही है, इनके भी लगेंगे, जामुन का भी है, ये हाँ जामुन का पेड़ लगा हुआ है, गर्मियों में लगते हैं, और ये हमारे डॉगी का चबूतरा, इस पे डॉगी सोता है हमारा, उस पे बैठता है, ये उसका बेड सा बना रखा है, सबसे ऊपर बैठता है, आराम से सबको देखता रहता आते जाते को, ऊंचा है एकदम से, ये जामुन का इधर दिया, वो उधर गिलोय के पेड़ वेड़ खूब सारे, कमी नहीं है, ये नानी मेरी बाथरूम से ना के निकल गई, तो अभी मैं जा रही हूँ घर, अभी पहुँच जाऊँगी थोड़ी देर में, मतलब जो नहीं आता उनको तो दूर लगता है, और हम क्या है हमारा डेली आना जाना करता है, मेरे को तो बाइक गाड़ी इनसे अच्छा तो मेरे को पैदल चलना ही, खेत में आना अच्छा लगता है आराम से जाए, अभी 15 मिनट में पहुँच जाऊँगी, दूध देख के आ गई, और नानी आएगी आज घर पे, जो नानी फिर वही है थक जाएगी क्योंकि इधर भी काम वाम करके आएगी, तब नानी आ जाएगी बाइक पे आ जाएगी मामा के साथ, मामा को बुला लेगी, तब मैं भी पैदल पैदल निकल लेती हूँ।
और बस मैं आपसे, हाँ मैं एक बात बोलना चाहती थी कि अभी मैं व्लॉगिंग मतलब डेली नहीं करूँगी, मतलब अभी मैं डेली व्लॉग बना रही थी यहाँ आने के बाद में, कभी कभार मैंने बनाया है, बट अभी मैं नहीं करूँगी डेली व्लॉगिंग। और उसके पीछे वजह ये है क्योंकि अभी मेरे मतलब बीएड वगैरह ख़त्म हुई है, तो अभी मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि मेरे को तैयारी करनी चाहिए कंपटीशन एग्ज़ाम की, थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी तभी मेरा रूटीन बनेगा। हाँ, और मैं कभी कभार जैसे कोई फंक्शंस हुआ, कहीं पे आना जाना हुआ, कोई शादी हुई कुछ भी, तब मैं डेली उनमें मैं आपके साथ पूरे व्लॉग शेयर करूँगी, जहाँ पे भी जाएंगे वो सब। और घर का डेली रूटीन आप भी मतलब देख के बोर हो जाते हो कि मतलब क्या ही दिखाएं डेली रूटीन में, हमको भी नहीं समझ में आता कि क्या दिखाएं, बहुत सोचना पड़ता है व्लॉगर को एक कि मतलब आज किस पे वीडियो बनाएं, क्या करें, क्या कुछ ऐसा। और देखने वाले भी, मैंने खुद ने ये बात देखी है कि है ना, डेली व्लॉग अपन डालते हैं उन पे व्यूज़ कम आते हैं, और कभी कभार ऐसे हुआ कि अचानक कहीं फंक्शंस हुआ, कहीं आना जाना हुआ, तब अच्छे व्यूज़ आते हैं उन पे। तब मैंने उस हिसाब से मैंने देखा, तब मैंने सोचा डेली व्लॉगिंग बंद करेंगे। हाँ, फिर वही होता है, अपन पूरे दिन भर यही देखते हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ बीच में अपन को कुछ अच्छी क्लिप्स मिले, उस हिसाब से अपन है ना कंटेंट डाल दे ये सब वो, तब बहुत सोच विचार करना पड़ता है। फिर इसीलिए अभी मैं डेली व्लॉगिंग है कि बंद कर रही हूँ मैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है डेली व्लॉग देखने में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तब तो मैं डेली करूँगी व्लॉगिंग, वरना कभी कभार करूँगी। तो बस मैं यही कहना चाहती थी आपसे, और अभी मैं आज के व्लॉग को भी मैं अब यहीं पे ही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही प्यारे से व्लॉग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखें। और आपके साथ वैसे मैं शॉर्ट्स वगैरह ये सब डेली इनकी मैं अपडेट्स देती रहूँगी आपको, डेली डालती रहूँगी शॉर्ट्स वगैरह, ये जो भी शॉर्ट्स तो खूब सारे बन जाते हैं, नॉर्मल कपड़ों में भी बन जाते हैं, और मेरे पास खूब सारे पड़े भी हैं, तो वो मैं डेली डालती रहूँगी। चलो फिर, बाय बाय।